घुटना नीचे दबाओ, हाथ से ऐसे कर ले सर, छोड़। मेरा नाम डॉक्टर विनय गोयल है, मैं वेदांता इंस्टीट्यूट गुड़गांव में डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हूँ। और न्यूरोलॉजी की बीमारियाँ क्या होती हैं ये बताने के लिए छोटी सी बात बताता हूँ कि कौन से सिम्टम्स हैं जिसको आदमी को सोचना चाहिए कि ये बीमारी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है। तो कॉमन जो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं वो ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, मसल्स की और नर्व्स की, चार मेजरली हो सकती है। तो अगर जो हम नीचे से शुरू करें तो जो पेरिफेरल नर्व्स होता है उसमें पैरों में झंझराहट की तकलीफ होती है। मसल्स की बात करें तो मरीज को जमीन से उठ के बैठने में तकलीफ होने लगती है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो जनरली लोगों को चलने की दिक्कत होती है, जिसको दोनों पैरों में लकवा जैसा होता है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं वो ढेर सारी होती हैं, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, कुछ लोगों को लकवा हो जाता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि हेडेक सबसे बड़ा कारण है। और हेडेक मैंने बताया कि हर आदमी को हेडेक होता है, लेकिन कब किस आदमी को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अगर जो आपको पहली बार हेडेक है तो जरूर डॉक्टर से बात करें, अगर जो आपको बहुत सिवियर हेडेक है तो जरूर डॉक्टर से बात करें, अगर जो हेडेक के साथ आपको लकवा जैसे सिम्टम हो रहा है, दौरा हो रहा है, आँख की रोशनी कम हो रही है तो जरूर बताएं कि ये, क्योंकि ये ऑर्डिनरी हेडेक नहीं है। दूसरी जो बीमारी होती है जो हम कॉमनली जानते हैं मेनिंजाइटिस या इनकेफेलाइटिस होती है, या सिर पर मलेरिया होता है, मलेरिया की वजह से हो सकता है, या ढेर सारे वायरस हैं। अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा है कि पेशेंट्स को कोविड इनकेफेलाइटिस होता है, या कोविड तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद में ब्रेन में जो है डीमाइलेटिंग फीचर्स आते हैं, जिसमें मरीज को ऐसा भी हो सकता है कि एक हाथ या पैर में झंझनाहट हो रही है, या पावर कम हो गई, या मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। तो अभी कोविड होने के बाद मैंने बहुत सारे जो सिम्टम वो देखे न्यूरोपैथी के सिम्टम देखे कि एक हाथ में झंझनाहट हुई ठीक हो गया, पैर में झंझनाहट हुई ठीक हो गया, किसी का पैर लटक गया नीचे या हाथ लटक गया, ये सिम्टम कोविड के बाद हमने भी बहुत सारे देखे हैं। या जिसको हम बोलते हैं GBS बोलते हैं, जिसमें कि चारों हाथ पैरों के मसल जो है वीक हो जाती हैं, वो भी कोविड होने के बाद देखा है। कोविड होने के बाद कुछ लोगों को लकवा भी हो रहा है, ऐसा भी हम लोग ज़्यादा नोट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। आप थोड़ा सा ऐसे है, न्यूरोलॉजिस्ट की बहुत कमी है इस शहर में। न्यूरोलॉजिस्ट की बहुत कमी है इस शहर में, कोई भी विजिटिंग या कोई न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, सारे स्टेट में ही कमी है बेसिकली। तो अब वी आर वेरी हैप्पी कि डॉक्टर विनय गोयल जो वूवर्स 25 साल से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रह चुके हैं, अब एक साल से जो मेदांता इंस्टीट्यूट गुड़गांव में कार्य करते हैं एज डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, ही विल बी विजिटिंग प्रेम हॉस्पिटल ऑन फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ एवरी फ्राइडे। हमारी क्लिनिक चलती थी, न्यूरोलॉजी क्लिनिक, डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर साईराम चलाते थे, तो अलॉन्ग विद डॉक्टर अग्रवाल डॉक्टर विनय गोयल भी ही विल बी नाउ अवेलेबल फॉर न्यूरोलॉजी क्लिनिक। अभी उन्होंने आपको बताया है कि किस किस बीमारियों का वो है, एंड ये एक पानीपत शहर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा बून है और जरूरत भी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।